आज मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे चाहिए ये एक एक ब्लॉक का मैं आपको हिसाब बता रही हूँ। एक ब्लॉक के लिए एक पीस ये चाहिए 6x6 का, और चार पीस ये चाहिए 6x6 सेम साइज़, सब इनका भी सेम साइज़ है, सबका सेम साइज़ है। चार ये और चार ये, प्रिंट में कोई भी फ्लावर प्रिंट ले सकते हो, ये जोड़ नहीं है, ये ऐसे ही प्रिंट है, ठीक है। एक चार चार, अब इसको कैसे रखना है, ये वाला पीस एक जो है वो सेंटर में आएगा। अगर आपको बड़ा बनाना है, जैसे दो ब्लॉक्स बनानी है तो आप इससे डबल लेंगे, तीन ब्लॉक्स बनानी है, जैसे आपको टेबल रनर बनाना है या बेड रनर बनाना है तो उसके लिए आपको तीन ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे उनको जोड़ के बनेगा, और यदि आपको फुट मैट जितना साइज़ का बनाना है कोई चीज़, तो वो दो ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे आपको। ऐसे ऐसे दो ब्लॉक्स बनेंगे इतने बड़े, ठीक है। तो ये हम इनको ऐसे अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करने के बाद हम ये वाले ऐसे सिल लेंगे, इधर सिलाई करेंगे, इसी तरीके से इसको सिलाई कर लेंगे यहाँ से, फिर खोल लेंगे और ये उठा के यहाँ से सिलाई कर लेंगे। एक एक ब्लॉक को उठाते रहेंगे और यहाँ पे ऐसे सिलते रहेंगे, यहाँ सिलाई कर लेंगे, फिर इसको सिलाई कर लेंगे, और इसी तरीके से हम दूसरी डायरेक्शन में करके पूरा ये एक पीस बना लेंगे इनका। ये हमारे 9 पीस हो गए कुल, ठीक है। ये करके मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए सिलने के बाद हमारा पूरा ये ऐसे बन गया है। कुल ये 9 पीस हैं, तीन तीन करके तीन लाइनें हैं। अब हमें इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद इसके बिल्कुल सेंटर में, जितना ये इसकी चौड़ाई है उसका बिल्कुल सेंटर ले लो, और जितना इधर से है उसका भी बिल्कुल सेंटर ले लो, और वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये मैंने निशान लगाया हुआ है यहाँ से, ये देखो, ये इधर से लेके ये ऐसे निशान लगा लेंगे, ये इधर हो गया ऐसे, और ऐसे ही अब हम इधर निशान लगाएंगे, ऐसे, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद अब इसको हम यहां से काट लेंगे। और ये वाला भी काट लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये बनाना। आप बनाओगे तो ऐसे आप देखते रहो कि कैसे करना है, फिर बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ये कट गए अब चारों पीस। अब हमें दो तो ये ऐसे ही रखने हैं, मैं सीधा कर देती हूँ पहले, ये देखो ऐसे, ये दो तो हमें ऐसे रखने हैं, जिनका कि ये येलो वाला ऐसे हो आप आमने सामने। और पहले तो हमारे ये ऐसे था ब्लॉक जो हमने बनाया था, है ना, ऐसे था ना, येलो वाला बीच में था और ये ऐसे थे, लेकिन अब हमें दो तो ऐसे ही रखने हैं और दो को हमें ऐसे चेंज कर देना है इस साइड में ऐसे। अब हमारा ये जो येलो वाला है ये इस किनारे पे दो में चला गया और दो में यहाँ बीच में है। अब ये इस तरह के से अब हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा एक ब्लॉक तैयार हो गया, ठीक है। इनको उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे पहले जोड़ा था, यहाँ पे सिलाई लगा लो, फिर इधर सिलाई लगा लो, और फिर यहाँ सेंटर में सिलाई लगा लो, तो ये हमारा पूरा ब्लॉक तैयार हो गया, ठीक है। अब यही करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे दो पीस तैयार हो गए।
अगर आप एक ही को जैसे टेबल टॉपर बना रखना चाहते हैं, टेबल के ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक को यूज़ कर सकती हो। एक पे चारों तरफ आप बॉर्डर लगा लो, या तो ये वाला या ये, कोई भी बॉर्डर लगा के आप एक को भी यूज़ कर सकते हो। ये हमने अब ब्लॉक सिखाई है, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। अब ये दो बना लूँगी मैं, ऐसे दो जोड़ लूँगी तो ये हमारा फुट मैट बन जाएगा। अगर तीन जोड़ लूँगी तो हमारा टेबल रनर बन सकता है, बेड रनर बन सकता है, बेड साइड रनर बन सकता है। हम इस तरह से कोई भी चीज़ बना सकते हैं इनको ऐसे जोड़ जोड़ के। अगर हम ज़्यादा जोड़ लेंगे तो हम इवन बेडशीट भी बना सकते हैं। तो इसको रखना, अब मैं बता दूं, अगर दो जोड़ रहे हैं आप तो कैसे रखना है। जिस हिसाब से ये रखे हैं हमने, ये दो आई हैं ऐसे, इसी तरीके से हमें ये वाले ऐसे ही रखने हैं। अगर हम ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे, अगर हम ऐसे कर देंगे तो देखो ये इधर आ गया, इधर वाला, ये वाला नीचे आ गया और ये इस साइड चला गया, तो ये इधर आ जाएगा ऐसे। इन ये दोनों मिल जाएंगे, इनको मिलाना नहीं है बल्कि हमें ऐसे रखना है। इसके साथ ये प्रिंट वाला आएगा और ये जैसे ऊपर है इधर पहले वाले ब्लॉक में, ऊपर है पहले वाले स्क्वायर में, और फिर ये इधर नीचे है। तो इन दोनों को ही ऐसे रख के आपस में जोड़ देंगे हम। अब मैं ये वाली सिलाई कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसका चारों तरफ से बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि मैं ये फुट मैट बना रही हूँ। अब मैं आपको ये दो पीस जोड़ने के बाद इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। इधर से तो है ये 15.5 और इधर से है 31.5। ठीक है, ये जोड़ लिया हमने। अब हमें इसकी, इसके नीचे के लिए कपड़ा लेना है, जो इसके नीचे के लिए कोई भी डेनिम का जैसे होता है जीन्स वाला कपड़ा वो ले लो, या कोई भी चादर का कपड़ा ले लो जो कि मोटा हो थोड़ा, या उसको डबल कर लो। इस साइज़ का अब हम वो काट लेंगे। ये देखिए मैंने डबल ले लिया है, दो कपड़े ले लिए हैं इसके, इसके बराबर काट के चारों तरफ मैंने ये बीच में भी और चारों तरफ पिंस लगा के जोड़ लिया है। अब मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी ली है, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है, जो कि मैं अब इसके चारों तरफ लगाऊंगी ऐसे। उल्टी साइड से सिलेंगे हम इसको, यहाँ से ऐसे लेके, और फिर इसको सिलाई आने के बाद ऐसे पलट के हम यहाँ से मोड़ते हुए ऐसे हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा सीधी तरफ ऐसे बॉर्डर ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। अब ये चारों तरफ बॉर्डर लग गया है, ये देखिए, और हमारा फुट मैट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बताइए आपको कैसा लगा, और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।